नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KPM फैंटेसी एक्सपर्ट चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो IPL 2021 सीजन के 17वें मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। तो इस मैच की हम बात करेंगे और इस मैच की दोस्तों मैं आपको टीम दूंगा, पिच रिपोर्ट बताऊंगा, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ग्रैंड लीग की भी सारी टिप्स यहीं पे मिल जाएंगी। तो वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाओगे तो आप बिल्कुल भी विन नहीं कर पाओगे। और अगर मैं कितना विन कर रहा हूँ और हमारे सब्सक्राइबर कितना विन कर रही है, अगर आपको जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हमारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देखना कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है और मैं कितना विन कर रहा हूँ, कितने कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ और कितने कॉन्टेस्ट में से कितना विन कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों आपसे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप फिर विन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। टॉस के बाद जो हमारी फाइनल टीम आती है वो टेलीग्राम चैनल पर आएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ से मैं आपको पिच रिपोर्ट बताता हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों जो चेज करती है टीम वो हारती है ज़्यादा मैचेस, लेकिन अब पिछले एक दो मैचेस से चेज होने लग गए इस ग्राउंड पर। और चेज कब हो रहे हैं, जब छोटे टोटल बन रहे हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये एक स्पिन फ्रेंडली विकेट है, यहाँ पर स्पिनर्स को काफ़ी अच्छी विकेट्स मिल सकती है, मतलब कोई भी एक स्पिनर आपको 3 या 4 विकेट निकालता इस मैच में दिख सकता है। अब वो पंजाब का भी हो सकता है और मुंबई का भी हो सकता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कि किसके ज़्यादा चांसेज है। और हेड टू हेड मैचेज की बात करें दोस्तों, पंजाब और मुंबई के बीच 26 मैचेज खेले गए, जिसमें से 14 मुंबई ने जीते और 12 जीते पंजाब ने। और दोस्तों सबसे अच्छी बात पता है इसमें क्या लगी मेरे को, कि मुंबई जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट भी पंजाब का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 26 में से 12 मैच उन्होंने जीते हैं। तो ये मान लो लगभग 50% मैचेज उन्होंने जीते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है पंजाब के लिए। और चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको टीम बनाऊँगा ना, उसी के साथ साथ हर प्लेयर का स्टेट्स बताता जाऊंगा कि कौन सा प्लेयर क्या परफॉर्मेंस कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम टीम बनाते हैं दोस्तों। KL राहुल को अपनी टीम में ज़रूर पिक कर लेना, मैं आपको हर प्लेयर का रीज़न दूंगा कि इस प्लेयर को क्यों पिक करना है, इस प्लेयर को क्यों ड्रॉप कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप KL राहुल को अपनी टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि KL राहुल का मुंबई के अगेंस्ट में जो एवरेज है ना वो 64 का है, तो आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर रखना, ये काफ़ी अच्छी पिक हो सकते हैं आपके लिए मुंबई इंडियंस के सामने। एवरेज इनका 64 का, 2020 में 64 का एवरेज बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये मान लो आप अगर ये चले तो आपको एक तरफा विन करवा देंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी के लिए हम विकेट कीपिंग सेक्शन में से सिर्फ एक विकेट कीपर पिक कर रहे हैं, आगे जाके हम और भी पिक करेंगे, तो ये आप देख लेना। बैटिंग सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो बैटिंग सेक्शन में आप रोहित शर्मा को ज़रूर पिक करें और यहाँ से सूर्य कुमार यादव को पिक कर लें। गेल और मयंक में से दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मतलब पंजाब किंग्स फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप क्रिस गेल के साथ जा सकते हो, और अगर पंजाब किंग्स सेकेंड बैटिंग करती है तो आप यहाँ से क्रिस गेल को ड्रॉप करके मयंक अग्रवाल के साथ जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में क्रिस गेल का काफ़ी अच्छा एवरेज है, यानी कि सेकेंड इनिंग में क्रिस गेल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, जो रिकॉर्ड्स है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि सेकेंड इनिंग में गेल के परफॉर्म करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और मयंक अग्रवाल को आप सेकेंड इनिंग में ज़रूर अपनी टीम में ट्राई करना। इसके अलावा अब ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो मैं बताने वाला हूँ ना वो आपको शायद ही कोई बताएगा, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना। यहाँ से आप दीपक हुड्डा को पिक करना, क्योंकि दीपक हुड्डा का जो एवरेज है मुंबई के अगेंस्ट में वो 30 का है, तो 30 का एवरेज काफ़ी अच्छा एवरेज है 2020 में, यानी कि 30 रन बनाएंगे तो अपने को काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट देंगे। और पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग भी कराई थी, तो इस मैच में भी ये 2 या 3 ओवर की बॉलिंग करवा सकते हैं, तो इनके काफ़ी अच्छे चांसेस है विकेट लेने के, तो इनको आप अपने टीम में ज़रूर रखना, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलना। इसके अलावा दोस्तों कायरन पोलार्ड,
ये आपके लिए एक मस्ट पिक होनी चाहिए आज के मैच में। मैंने अभी तक किसी भी मैच में आपको नहीं बोला किरण पोलार्ड को पिक करो, लेकिन जो मतलब पंजाब के अगेंस्ट मुंबई के इस बैट्समैन के रिकॉर्ड है वो काफ़ी गजब है। मतलब 36 का तो इनका एवरेज है पंजाब के अगेंस्ट में, और एवरेज तो छोड़ो, इसके अलावा इन्होंने विकेट्स भी निकाले हैं। हर मैच में एक विकेट जरूर निकाल, मतलब जिस मैच में बॉलिंग करते पंजाब के अगेंस्ट वो विकेट निकालते, और ये स्लो पिच है तो यहाँ पर किरण पोलार्ड काफ़ी अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर रखना दोस्तों। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। तो यहाँ से आप बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो अभी मैं आपको मस्ट पिक बता रहा हूँ दोस्तों, इस मैच में आपको रवि बिश्नोई भी खेलते दिख सकते हैं, तो आप रवि बिश्नोई अगर खेलेंगे तो आप इनको अपनी टीम में जरूर लेना, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्पिनर है, और पिछले सीजन में इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन मुर्गन अश्विन का ये होम ग्राउंड है तो इसीलिए इनको ज़्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं, ताकि इनको ज़्यादा पता है इस ग्राउंड का, तो ये अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो अभी के लिए मैं मुर्गन अश्विन को, राहुल चहर को और यहाँ से जयंत यादव को, दोस्तों एक मैच खेला है 63 पॉइंट, 63 पॉइंट दे गए हमें, बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की, तो यहाँ से आप इन तीनों को तो बिल्कुल मस्ट पिक आपकी होनी ही चाहिए। यहाँ से आप एक क्वेंटन डीकॉक को पिक कर सकते हो अगर पिक करना चाहो तो। बाकी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, क्योंकि क्वेंटन डीकॉक इस ग्राउंड पर अभी तक फ्लॉप रहे हैं, और पंजाब के अगेंस्ट भी इतने कोई ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है कि हाँ भाई इनको छोड़ दिया तो हम मैच हार ही जाएंगे, तो आप इनको ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा फिर आप यहाँ से जाकर क्रिस गेल को पिक कर सकते हो। तो अब हमारे पास बच गए एक ऑप्शन, तो यहाँ से आप या तो कृणाल पांड्या या फैबियन एलन, जो भी है, ये इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। और इसके अलावा यहाँ से आप मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह में से किसी भी एक को पिक कर लेना, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। लेकिन अभी के लिए मैं स्मॉल लीग की टीम दे रहा हूँ, तो ये मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ जाऊँ, क्योंकि इनको काफ़ी लोगों ने पिक किया हुआ है, तो अगर ये चल गए और हमने पिक नहीं किया तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात करते कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ से रोहित शर्मा भी, दोस्तों रोहित शर्मा ये इस मैच में भी अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे, जैसा कि इन्होंने पिछले मैच में किया था, हालांकि मुंबई पिछला मैच हार गई थी, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा आप इनको अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाना। और कैप्टन अगर आप इन्हें बना रहे हो तो आप वाइस कैप्टन केएल राहुल के साथ जा सकते हो, या फिर सूर्य कुमार यादव के साथ भी जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप केएल राहुल को भी कैप्टन बनाओ, तो अगर आप केएल राहुल को कैप्टन बनाते हो तो फिर आपको सूर्य कुमार यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना, आपको सीधा रोहित शर्मा के साथ जाना है। यहाँ से आपकी ये टीम होनी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से अगर चाहो तो जयंत यादव को ड्रॉप करके आप यहाँ से कृणाल पांड्या को पिक कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ये एक दो चेंजेस जो होंगे, फाइनल टीम जो आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिल्कुल फाइनल टीम मैं आपको वहीं पर दूंगा। तो बस दोस्तों ये हमारी टीम तैयार है। एक बात और दोस्तों, अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से दोस्तों अगर आप मयंक अग्रवाल को पिक कर रहे हो तो आपको जसप्रीत बुमराह को पिक नहीं करना है, और अगर मतलब बुमराह को पिक कर रहे हो तो आपको यहाँ से मयंक अग्रवाल को पिक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मयंक अग्रवाल ने बुमराह के अगेंस्ट में काफ़ी मतलब खराब प्रदर्शन किया है। 10 बॉलों में अभी तक इन्होंने, मतलब मयंक अग्रवाल ने बुमराह के अगेंस्ट में 10 बॉलों में सिर्फ 2 रन बनाए और 3 बार विकेट दिया है बुमराह को, तो आप देख सकते हो प्लेयर बैटल में कितने मतलब बड़े अंतर से अभी बुमराह इनसे आगे चल रहे, तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन जरूर कर लेना।